Friends are fun. यहाँ उपस्थित सभी शो मेंबर्स को मेरी राम राम। मैं मनीष कुमार, जिला झज्जर, राज्य हरियाणा से आप सबको प्रणाम करता हूँ और चिराग भाई का भी तहे दिल से धन्यवाद है जो हमें इस तरह का मौका मिला। तो मैं कुछ चंद लाइनें उस सुप्रीम पावर के लिए, उस भगवान, उस खुदा, उस रब के लिए कहना चाहता हूँ जिसके भरोसे हम सब चल रहे हैं। कि मेरी किस्मत पे मुझे नाज है तो वजह तेरी रहमत, मेरी खुशियाँ जो मेरे पास हैं तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने जो मेरे साथ हैं तो वजह तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब क्यों ना करूं, चलती जो सांस है तो तेरी रहमत। टाइम नहीं, एक बार एक हाथी कीड़िया के घर में जाकर रोज लात मारे आया करता। वे कुछ भी बनाती और वो मारे आता। फिर दो तीन दिन में परेशान होकर कीड़ी सारी इकट्ठी हुई और लठ ले गए सीधी घर पूछी, और उसकी घराली तेन उबली, बेबे तू देख ध्यान दे ले अपने खसम का नहीं ना, फिर मर्द मारे भी से। दूसरा, एक बार तीन कुत्ते थे और बाबा जी मन चालना पड़ेगा, टेंट लग रहा है। एक बोला रे गांव का है, अरे पिछाने जाएंगे। बोला कितना ना पिछाने जाते हैं यार, तीनों एक से लग गए आप, एक एक करके चलेंगे। बोला चल ठीक है, पहले तू जा। एक पूछा उन्हें जिस तरह जाकर खाना शुरू करे, एक ना आकर सीधी पेट में लात मारी, पेट पकड़े आया बाहर ने। बोला क्या हो गया? बोला भर गया आज तो कति ठाडा, तू जा तू जा तू जा। दूसरा पूछा एकदम, दूसरा ने बोला तू मैं जाऊं? ने बोला हाँ तू जा, काका मौका पड़ा है। वो सीधा जाकर उन सीधा पतला मुंह मारा, वे हो लिए परेशान, उनने ठाक सीधा रायते का चाकू का मुंह पे मारा। वो भराया आया सीधा ने बोला के बबला रायते का स्वाद देने जा रहा यार। तीसरा का मुंह में पानी आ गया, बोले यार अच्छी पार्टी चल रही है, बेटे मैं लेट करा क्या? वो खड़ा सिर्फ काटन लाग रहा। बोला तू बता दे चल ले जाऊँ कि मैं? बोला जा ले। वो सीधा भीतर एंट्री मारा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई खाने मिलेगा। अरुण ने देख लिया क्यों तीनों काले थे, न बोले यार यो तो ये मानना नहीं रहा अकेला तीन बार जा आ लिया। उन्हें दरवाजा बंद करके और घेर घोट का जो तोड़ा है वो घेर गए। वो आया अपनी आडन ठाया, ने बोला क्या हो गया? बोला रे भाई साहब मैं कौन था जानकार है, आना नहीं देते। न बोला भाई साहब यो खाना पड़ेगा, यो खाना पड़ेगा, यो खाना। हाँ नोला फिर मजा आ गया। तो ये तो छोटे से चुटकले थे, अभी एक और भी है छोटा सा, वो भी फास्ट फास्ट कर देता हूँ मैं। कि एक बार एक कुकर कढ़ाई तो बोला देखी तू कितनी काली है, बोला जब देख के मैंने सीटी मारे है तू। बहुत छोटा। एक हास्य कविता है, एक लड़का अपनी व्यथा बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम थी और समाज में उसको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक लड़का है बेचारा जिसकी बाई आँख अपने आप चल जाती है और वो उससे बड़ा परेशान है। तो कवि इस बात को कैसे रखता है और वो अपनी कैसे बात बताता है वो मैं आपके सामने समक्ष रखूंगा। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ लेकिन अपनी बाई आँख से बहुत परेशान हूँ। कमबख्त अपने आप चल जाती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझ के मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में हम एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमारी तरफ देखा और चल गई। लड़की हाय हाय करके उछल गई और क्लास से निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हम बोले सर भूल हो गई, इन्होंने भूल में शर्म नहीं हो पाती, जिससे पहले कुछ कह पाता फिर चल गई। तो हुआ ये परिणाम बहुत मुश्किल तमाम, कट गया स्कूल से नाम, मिला एक काम तो चले गए हम इंटरव्यू देने के लिए। चले गए हम इंटरव्यू देने के लिए, हम खड़े थे क्यू में, हमसे आगे थी एक लड़की, वे पीछे मुड़ी, उसकी नज़र हम पे पड़ी और चल गई। लड़की हाय करके फिर उछल गई। दूसरे उम्मीदवार टोके, लड़की का पक्ष लेके भोके, मार मार जूते चप्पल उतार दिया, हमारा बक्कल सर पे पांव रख के हम भागे, लोग पीछे हम आगे। बहुत भयंकर थी पीड़ा सर में, हम घुस गए घर में, पूरी तरह आँप रहे थे, पैर हमारे कांप रहे थे। गृहिणी ने पूछा जी आप कौन? हम खड़े रहे मौन, बोले बताते हो या किसी को बुलाऊं, जिससे पहले मैं कुछ अपनी जुबान चलाऊं, फिर चल गई। ये बात उसको बुरी तरह से जल गई और वो बुरी तरह चीखी, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी साक्षात दुर्गा सी दिखी। होना क्या था, अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भांजा मामा, मच गया हंगामा, चड्डी बन गई हमारा पजामा, बनियान बन गई हमारा कुर्ता, मार मार जूते चप्पल हमारा निकाल दिया भुरता,
हम चीखते रहे, वो पीटते रहे, न जाने कब तक चला ये रोष। लेकिन जब हमें आया होश तो हम अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स हमें घेरे खड़े थे। नर्स ने हाथ पकड़ के बोला, जी अब तबीयत कैसी है? मैं बोला, जी बात ऐसी है, घर जैसी है। ये बात सुन के वो तो कुछ नहीं बोली और शर्मा के निकल गई, लेकिन ये बात डॉक्टर को खल गई। बोले कि इतनी इमरजेंसी में भी इश्क लड़ाते हो और इलाज हमसे करवाते हो। उन दोनों के जाने के बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बोले भाग जाओ चुपचाप, नहीं जानते हो आप, आपकी बात डॉक्टर को खल गई है। केस तेरा बिगड़वाएगा, मुर्दा बता के जिंदा गड़वाएगा। रात के अंधेरे में आंखें मूंद कर, खिड़की कूद कर हम भाग गए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन पधारे बाप जी हमारे, बोले बेटा और कुछ नहीं कर सकते हो तो शादी कर लो, लड़की देख लो। मैंने देखी है, हेल्थ की ज़रा कच्ची है, बच्ची है, जैसी भी है अच्छी है, आफ्टर ऑल एक लड़की है, बड़े घर की है और यहाँ भी तो कड़की है। मैंने कहा जल्दी क्या है अभी शादी करने में? बाप बोले गधे हो, ढाई मण के हो गए हो लेकिन बाप के सीने पे लदे हो, इससे रिश्ता हो जाएगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। फिर क्या था, भोलेनाथ को प्रणाम करके धड़कते दिल को लेके हम पहुंच गए रुड़की देखने। लड़की शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, बोली बेटा आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जिससे पहले कुछ कह पाता फिर चल गई। सास बोली बेटा मैं लड़की नहीं, लड़की की माँ हूँ, कहो तो लड़की को बुला दूँ? जिससे पहले कुछ कह पाता फिर चल गई और वो बुरी तरह चीखी और हम ऊपर से आए मुँह लटकाए। बाप बोले बेटा अब मुंह लटकाने से क्या फ़ायदा, जहाँ जाते हो पिट कर आते हो, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, नहीं डूब सकते हो तो आँख फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते हो तो नाता तोड़ लो, किसी तरह से हमारा पीछा छोड़ दो। अब ये बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अपना गीत गुनगुनाऊँ? आप ही समझाइए, मेरा मतलब आप ही बताइए कि आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, और या फिर मेरे लिए ढूँढ के लाइए, या तो कोई ऐसी लड़की जवान हो या वृद्ध हो, पूरी हो या अर्ध हो, बस एक लड़की हो जिसकी एक आंख चलती हो, पता लगाइए, और अगर पता लग जाए तो हमारे आदरणीय काका जी को भी बताइए। कि अगर मेरी तरफ से कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर।